नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जितेंद्र राजपूत फिट क्लब। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अमीनो और प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, अमीनोज क्या होते हैं, कैसे बॉडी में काम करते हैं, रिकवरी के काम आते हैं, मसल बिल्डिंग के काम आते हैं, कितना यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अमीनो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को मतलब एक थोड़ा सा पजल है एक इसके अंदर ना, लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए या अमीनो ज़्यादा लेनी चाहिए, मसल उसी से बिल्ड होंगे, तो अगर प्रोटीन ले लिया तो अमीनो लेनी ज़रूरी है या नहीं है, या हम लोग तो प्रोटीन भी खाते हैं सर तो अमीनो की क्या जरूरत है, और हम लोग अमीनो लेते हैं तो ग्लूटामाइन लेने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनको मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, व्हाट इज अमीनो या प्रोटीन क्या है? जब आप लोग प्रोटीन की बात करते हो ना, तो एक्चुअल में हम लोग अमीनो की ही बात कर रहे होते हैं। कैसे? बिकॉज अमीनोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। प्रोटीन मोस्टली यूज़ होता है आपके मसल बिल्ड करने के लिए, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है अमीनोज का इसके इससे, वे प्रोटीन से या प्रोटीन से आप किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क है। और वो ये है कि आप जब सोचते हो कि मुझे अमीनो यूज़ करना चाहिए या वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों इसका एक सिंपल सीधा आंसर सिर्फ ये है, यू नीड बोथ ऑफ देम टुगेदर। आपको दोनों ही चाहिए होती हैं। आप जब प्रोटीन बाय करते हो तो आपको सबसे पहले प्रोटीन के अंदर ये देखना चाहिए कि उसके अंदर अमीनोज कितने अवेलेबल हैं, कितने एसेंशियल अमीनो हैं और कितने नॉन एसेंशियल अमीनोज हैं। एसेंशियल अमीनोज आपकी बॉडी में मसल्स को रिकवर करने में और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनोज जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपकी बॉडी में नेचुरली रहते हैं और जो आपको नेचुरली डाइट से मिल भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे BCAA, वेंचन अमीनो एसिड्स, आइसोलेसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी को नेचुरली नहीं मिलते हैं, आपको फूड से या फिर और किसी भी मीट या पोल्ट्री या चीज़ों से खाने से बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और जो बहुत ही जल्दी बॉडी में से ख़त्म हो जाते हैं या यूज़ हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ता है। जैसे BCAA आप यूज़ करते हैं, अमीनोज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटीन लें या अमीनो लें, तो बात वहीं आके अटकती है फिर भी। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप दोनों लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। उसके लिए भी मैं आपको आगे एक चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या आप कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं या जिनको मसल बिल्ड करने अच्छे से, उनकी बॉडी थ्रू आउट द आवर्स, पूरा दिन पूरी रात एनाबॉलिक स्टेज में होनी चाहिए। एनाबॉलिक स्टेज ये होती है कि एनाबॉलिज्म, जिसमें आपके मसल टूटे नहीं, ब्रेक डाउन ना हो या कम ना हो या थक के वो वीक ना हो जाए, उसके लिए उनको कंटिन्यूस प्रोटीन चाहिए होता है। धीरे 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 थोड़ा 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 प्रोटीन हर मील में डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, जिससे आपके मसल एनाबॉलिक स्टेज में रहते हैं। कैटाबॉलिक स्टेज होती है जिसमें आपका मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। वो ब्रेक डाउन तब होना शुरू होता है या तो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उतना डाइट में प्रोटीन नहीं है आपका, या उतनी बेटर रिकवरी नहीं है, या उतना अमीनोज नहीं ले रहे आप अपनी डाइट में। बहुत सारे लड़के हैं जो सोचते हैं सर मेरा मसल नहीं बढ़ रहा है, मेरा मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, इतनी अच्छी डाइट लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन दोस्तों एक टाइम पर अगर आप बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हैं, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, वो वेस्ट है, वो वेस्ट। आप 20-30 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग यूज़ कीजिए, पर मील यूज़ कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, फिर इवनिंग स्नैक्स में, फिर डिनर में, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इक्वल इक्वल इक्वल। इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं आप, बट इक्वल प्रोटीन लेना हमेशा बेस्ट रहता है। आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करते हो, वो पूरा यूज़ होता है, ठीक है बात। तो दोस्तों, बात जो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको प्रोटीन और अमीनोज दोनों यूज़ करने चाहिए, प्रोटीन फॉर द बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड अमीनोज फॉर रिकवरी ऑफ योर मसल। जितना जल्दी आपका मसल रिकवर होएगा उतनी ही जल्दी आपके मसल बिल्डिंग स्टेज में आएंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप
कई कुछ लोग क्या करते हैं आफ्टर वर्कआउट सीधा डायरेक्ट प्रोटीन पीते हैं, उसमें से उनका 50% प्रोटीन सिर्फ उनकी रिकवरी में चला जाता है ना कि बिल्डिंग में। तो दोस्तों ट्राई कीजिए, अगर आप इफ़ यू कैन बाय और अफोर्ड ए बी सी डबल ए या एक ब्लैंड अमीनो एसिड का पूरा एक पाउडर वो परचेज कर सकें तो इंट्रा वर्कआउट आप उसको लीजिए, वो आपकी मसल की रिकवरी में और आपके मसल को एनाबॉलिक स्टेज में रखेगा, जिससे आप जब आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन पियेंगे तो वो पूरा मसल को बिल्डिंग पे काम करेगा ना कि उसके रिकवरी में काम करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जैसे सर कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोटीन लें, ग्लूटामाइन लें, अमीनोज लें, क्या क्या ले लें। दोस्तों मेरी एडवाइस ये है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे प्रोटीन अमीनो ग्लूटामाइन में, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इन्हीं तीनों से मिलना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जेन्युइन अमीनोज या प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन ग्लूटामाइन वो आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। कितनी सारी डाइट हम खाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वीक होता है, अमीनोज कम होते हैं, ग्लूटामाइन एसिड कम होता है, प्रोटीन की क्वालिटी इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट प्रोटीन में भी फ़र्क होता है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग बात करेंगे उस बारे में। तो दोस्तों आप अगर नहीं बाय कर सकते हैं अमीनोज या ग्लूटामाइन अलग से, तो दोस्तों एक ऐसा प्रोटीन चूज़ कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बी सी डबल ए, अमीनो की प्रोफाइल, ग्लूटामाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्स्ट्रा मिल जाए आपको जितना ज़्यादा हो सके। जैसे आप कई प्रोटीन चेक करेंगे उनमें पीछे लिखा होता है 5 ग्राम बी सी डबल ए पर सर्विंग, बट कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जिसमें लिखा होता है कि पर सर्विंग 8 ग्राम बी सी डबल ए या 8 ग्राम अमीनोज या 5 ग्राम ग्लूटामाइन पर सर्विंग। तो गो फॉर दैट प्रोटीन पाउडर जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, एक्स्ट्रा ज़्यादा हो, अमीनोज हों, अमीनोज जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएंगे, आपके मसल्स को उतना बेटर क्वालिटी में ग्रो कर पाएंगे, टायर्ड नहीं होंगे, रिकवरी बेटर रहेगी। तो दोस्तों माय एडवाइस फॉर यू टू गो फॉर ए गुड वे प्रोटीन। अब आपको अपने टारगेट के हिसाब से प्रोटीन चूज करना है, हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन या कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए, जो आपके सिस्टम पर लाइट रहता है, आपका जो भी बॉडी का गोल है, जो फिटनेस गोल है, जैसे आप उसी हिसाब से प्रोटीन भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू गेन अ लीन मसल मास, जस्ट नो वेट गेन एट ऑल, गो फॉर आइसोलेट वे प्रोटीन। उससे भी और बेटर क्वालिटी चाहिए आपको तो गो फॉर हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन। और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को मसल ग्रोथ करना है, थोड़ा फैट भी आ जाए या थोड़ा सा चलता है हल्का फुल्का, बट ग्रोथ चाहिए, गो फॉर ब्लैंड वे प्रोटीन लाइक वे कॉन्सेंट्रेट। थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टेबल होता है वो, बट इट कीप यू सस्टेन एनर्जी एंड सस्टेन देता है आपके मसल्स को, थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन धीरे धीरे होता है, आइसोलेट क्विकली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ओके, तो दोस्तों अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, जस्ट चेक ऑन द लेबल कि आपको कितनी अमीनोज वो प्रोवाइड कराता है, कितनी बी सी डबल ए है उसके अंदर, कितना ग्लूटामाइक एसिड है उसके अंदर। सो दीज आर द एसेंशियल थिंग टू चेक व्हेन यू बाय व्हे प्रोटीन। तो दोस्तों व्हे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूटामाइन ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर मसल। ओके, ओनली विद द नेचुरल डाइट, ओनली विद नेचुरल डाइट यू डोंट गेट कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ योर मनी ऑन ए गुड क्वालिटी व्हे प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। तो दोस्तों दिस वीडियो, होल वीडियो वॉज अबाउट व्हे प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स नीड एंड वाई वी नीड बोथ ऑफ देम, या उनमें से हमें क्या चाहिए, अब आपको आइडिया लग गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में प्लीज़ डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना सॉल्व करूँगा। दोस्तों आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।